वेलकम स्टूडेंट, हम हमारी प्रीवियस क्लास में ट्राइबल इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, और जिसमें मैंने आपको बताया कि भारत में जो है जनजाति का वर्गीकरण का हमने तीन प्रजातीय वर्गीकरण, उसके बाद भाषा के आधार पर वर्गीकरण, और तीसरा आज जो है वो हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल या भौगोलिक या प्रादेशिक। अब भौगोलिक या प्रादेशिक, जिसको हम ज्योग्राफिकल या रीजनल क्लासिफिकेशन कहते हैं, इसमें जो है हम सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका एग्जाम्पल जो है वो B.S. गुहा जो है उनके आधार पर, डॉक्टर B.S. गुहा ने जो दिया है उस आधार पे, तो उन्होंने दो बात बताई। पहली, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन, दो जोन, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न। तो दूसरा जो है उन्होंने बताया था सेंट्रल जोन, और तीसरा उन्होंने बताया सदर्न जोन। तो जब हम सबसे पहले बात नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन की बात करते हैं, तो ये उत्तर में ले और शिमला से पूर्व लुसाई पर्वत तक फैला हुआ है। इसमें पूर्वी कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश, असम के पहाड़ी प्रदेश, और इसमें इस क्षेत्र में जो प्रमुख जनजातियाँ हैं वह हैं गद्दी, गुज्जर, लांबा, कप्पा, कन्नोटा, लाहौला, जौनसारी, भूटिया, थारी, नागा, कुकी, खासी, कचाटी, रंबा आदि। फिर बात करते हैं हम सेंट्रल जोन की, तो सेंट्रल जोन में जो है यह उत्तरी भारत की दक्षिण भारत से पृथक करने वाली तथा गंगा नदी के दक्षिण और कृष्णा नदी के उत्तर में विद्यमान विंध्याचल, सप्तपुड़ा आदि पुरानी पहाड़ों और पठारों की पट्टी का प्रदेश है। इसमें बंगाल, बिहार, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरी बंबई व उड़ीसा सम्मिलित है। क्षेत्रफल और जनजातियों की आबादी की दृष्टि से यह सबसे बड़ा प्रदेश है। इस क्षेत्र में रहने वाले केवल संतालों की संख्या ही 25 लाख है। इस क्षेत्र में अन्य जनजातियाँ बुंज, उराव, हो, खड़िया, बिरहोर, भुइया, गौंड, बेगा, कांड, कोटा, चेंचू, बेहियारा, कोरवा, मुंडा, कोल, भील आदि। और सदर्न जोन में जो है यह क्षेत्र सामान्य रूप से कृष्णा नदी के दक्षिण का प्रदेश है, और इस क्षेत्र में जनजातियों की सबसे अधिक संख्या पश्चिमी घाट के पहाड़ी में वायनाड में से कन्याकुमारी तक पाई जाती है, और इस क्षेत्र के अंतर्गत हैदराबाद, मैसूर, कुर्ग, आंध्र प्रदेश और मद्रास शामिल है। अंडमान और निकोबार द्वीप से भी अनेक जनजातियां निवास करती है, और इस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति चेंचू, कोटा, कुरबा, बड़गा, टोडा, कादर, मलयान, पेलियन, उराली, इरुला, पोलियन आदि। ऐसा ही SC दुबे, जो श्यामाचरण दुबे जो है SC दुबे, इन्होंने भी जो है कुछ ज्योग्राफिकल आधार पर जनजातियों का क्लासिफिकेशन के बारे में उन्हें बताया। तो उन्होंने पहला बताया उत्तरी और उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने बताया मध्य क्षेत्र,
तीसरा उन्होंने बताया पश्चिमी क्षेत्र, और चौथा उन्होंने बताया दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, तो जब हम उत्तर या उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं तो बोटिया, थारू, लेम्बा, नागा, गोरा, खासी, डफला, कुकी, आबोर, मिकिर, गुरुंग आदि, इनमें से प्रथम दो उत्तर प्रदेश के हिमालय क्षेत्र से लगे क्षेत्र में वास करती हैं और लेपचा, सिक्किम और समवर्ती भारतीय क्षेत्रों में निवास करती है। शेष सारी जनजातियाँ जो है असम, उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र और केमांग नागा पर्वत के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जब बात हम मध्य क्षेत्र की करते हैं तो इनमें मध्य क्षेत्र, इनमें जो सबसे अधिक संख्या जो निवास करती है वह बिहार के संताल, मुंडा, ओराव, बिरहोर, उत्कल के बोंदो और कौंड, सोरा और जुआंग, मध्य प्रदेश के गोंड, बेगा, कोल, कोकुर, कुमार, बुंजिया आदि, राजस्थान के भील और दक्षिण पठार में चेंचू, कोलाम, कोवा, राजगौंड समूह आदि शामिल है। और पश्चिमी क्षेत्र में जो है वह है जो सरहाद्री वाला जो एरिया है उसमें जनजाति जैसे वाली, कटकरी, महादेव, कोली और बीलों के कतिपय समूह पाए जाते हैं। और दक्षिण में अनेक अल्पसंख्यक जातीय समूह निवास करते हैं जैसे टोडा, बड़ा, कोटा, इरुला, काहुर और कुरुम्बा आदि। इनके साथ साथ जो वर्गीकरण है वह सांस्कृतिक वर्गीकरण भी है। पहला जो हमने बात करी थी वह ज्योग्राफिकल या रीजनल क्लासिफिकेशन की बात करी, अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की। इस वर्गीकरण में जो है वेरियर एल्विन जो इम्पोर्टेंट, जिन्होंने जनजातियों का अध्ययन भी किया है, वेरियर एल्विन ने सांस्कृतिक आधार पे जनजाति को चार, इन्होंने भी चार भागों में जो है विभाजित किया। पहला उन्होंने कहा आदिम जीवन, मतलब ट्राइबल जीवन बिताने वाली जनजातियाँ, वो प्रमुख रूप से मध्य भारत के बस्तर की पहाड़ियाँ, उड़िया के जुआंग और गादवा और बोंदो, ये अत्यंत दुर्गम गहन पर्वतों में रहने वाली है और ये सामाजिक आर्थिक मामले में संयुक्त सामूहिक जीवन। तो पहला जो है वो क्या करती हैं, जॉइंट कम्युनल लाइफ व्यतीत करते हैं और झूम खेती करते हैं। इनका जीवन अत्यंत सरल और आदिम होता है और सभ्य समाज के लोगों को देखकर वे बाकर पेड़ों पे चढ़ जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि जनजाति द्वारा वो वर्ग है जिसने आदिम जीवन के कुछ परिवर्तन शुरू कर दिए, फिर भी वे प्राय वर्ग प्रथम की बाकी एकाकी जीवन और प्राचीन परंपराओं को मानने वाले हैं। इनका जीवन समूह में रहकर व्यक्तिवादी, इंडिविजुअलिस्टिक, इनका जीवन कैसा रहता है, इंडिविजुअलिस्टिक, गरीब और अमीर में अंतर नहीं होता है। ये भी लोग झूम की खेती को उतना नहीं अपनाते हैं, नहीं परदेशियों से अधिक डरते हैं, जैसा कि प्रथम पहले जो बात मैंने आपको करी थी वो लोग जो उड़ीसा के जुआंग और गादवा ये जो है ना जितने डरते थे उतने ये लोग नहीं डरते हैं। तीसरा वर्ग जो है ये सबसे अधिक जनजातियाँ, जनसंख्या जो प्राय 2 करोड़ में आती है और इनकी जनसंख्या संस्कृति, बाहरी संस्कृति के प्रभावों के कारण प्राय मिटने लगी है। इन जनजातियों के बाहरी संस्कृतियों के संपर्क में आने से ये हुआ कि धीरे धीरे इनका जीवन जो है, जो जिन तरीके से ये रहते थे वो नष्ट हो रहा है। ये अपने धर्म, परंपरा, प्रथा, कला, विश्वास, सामाजिक संगठन आदि से दूर होते जाते हैं। तो तीसरा वर्ग कौन सा है, जो कि अपनी संस्कृति से, जिसको हम कहते हैं वो दूसरों के साथ एसिमिलेट हो रहे हैं, अपनी संस्कृति से दूर होना। ठीक है,
और चौथा वर्ग वह उन जनजातियों का है जो वेरियर एल्विन के अनुसार देश के प्राचीन कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन से प्राचीन प्राचीन कुलीन वर्ग का प्रतिनिधि है? ठीक है, इसमें भील, नागा जनजातियां शेष उल्लेखनीय हैं। बाहरी संस्कृति के संपर्क में आने पर वे अपनी प्राचीन और मौलिक संस्कृति को वैसा ही बनाए रखते हैं। वेरियर एल्विन के इस वर्गीकरण में कुछ प्रॉब्लम है, लोगों ने उनको कुछ क्रिटिसाइज किया है। उनका कहना ये सही नहीं है कि सभ्य समाज के संपर्क में आने जनजातियों का सदैव अहितकारी होता है। वे जनजातियों की उन्नति का अंतिम आदर्श मानना ठीक नहीं है कि वे जब उनका एक तरीके से एसिमिलेशन होकर ही उनका जो है उनकी एक तरह से डेवलपमेंट होना ऐसा संभव नहीं है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने कहा, जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ता है बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो वेरियर एल्विन ने जो वर्गीकरण दिया है ये दुर्बल होता जाएगा। ऐसा ही अगर हमने मजूमदार की बात करें तो मजूमदार ने भी कुछ वर्गीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि वे जनजातियां जो ग्रामीण नगरीय समुदाय के संस्कृति के मामले से बहुत दूर रहती हैं, अर्थात वे उन्नत समुदाय के संपर्क में नहीं आई है वे जनजातियाँ, और वे जनजातियाँ जो ग्रामीण नगरी समुदाय की संस्कृति के प्रभावों से प्रभावित हुई और जिनके कारण जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, और वे जनजातियाँ जो ग्रामीण नगरी समुदाय की संस्कृति के संपर्क में आने पर भी कोई असुविधा या समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है। अब लास्ट और बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वह है इकोनॉमिक या आर्थिक वर्गीकरण। आर्थिक वर्गीकरण, आर्थिक वर्गीकरण को भी इन्होंने चार भागों में बांटा है। पहला, वे शिकार करने या भोजन इकट्ठे करने वाली जनजातियां जैसे कादर और मालापरत्रम पलियम पलियन, ये वे हैं जो जंगलों में फल कंदमूल शहद को इकट्ठा करती हैं और शिकार करके मछली पकड़कर अपना पेट भरती हैं। दूसरी, वे जनजातियां जो पशुपालक जनजातियां हैं, वे जैसे हिमाचल प्रदेश के गुज्जर, दक्षिणी नीलगिरी के टोडा, इनका जो है आर्थिक जीवन पशुओं को पालना और दूध व दूध से बनी चीज़ें को बेचने पर निर्भर करता है। तीसरी है खेती करने वाली, वे जनजातियां जो उत्तरी पूर्वी व मध्य भारत की अधिकांश जनजातियां इस श्रेणी में आती हैं। लास्ट बट उद्योग में लगी हुई जनजातियां, कुछ जनजातियां अपने क्षेत्र के खानों, चाय बागानों में और अन्य उद्योगों में श्रमिक के रूप से काम करती हैं। बिहार, बंगाल और असम की कुछ जनजातियां इस श्रेणी में आती हैं। अब ये तो हमने जो है जनजातियों के बारे में जानने का प्रयास किया। अब कल हमारी जो हम क्लास है वो जनजातियों में सबसे पहले हम परिवार, विवाह, उनकी आर्थिक और उनकी राजनीतिक संस्थाएं किस प्रकार की होती हैं इसके बारे में देखेंगे, और विशेषतः राजस्थान की जनजातियाँ जो राजस्थान में पाई जाती है उनको लेकर जो है हम कल बात करेंगे। थैंक यू।